14 तारीख शाम को छोटा भैया करीब 7:30 बजे अजमेर से हमारे गांव है राजगढ़, हमारे सिस्टर की पहले 4 महीने करीब डेट हो रही थी होली के आसपास, तो हम पहले त्यौहार करने के लिए राखी पे गांव गए हुए थे पूरे परिवार सहित। तो रात को हम घर राजगढ़ आ गए थे, फिर घर पे थे, फिर दूसरे दिन सुबह करीब 15 तारीख को सुबह 4 बजे करीब हमारे पास में पड़ोसी है, उन्होंने फ़ोन किया कि आपके पास में यहाँ जाली टूटी हुई है। और फिर हमने कहा भी जाली टूटी हुई है तो अंदर देखो कि कोई गेट का ताला वाला तो टूटा हुआ नहीं है। तो उसने देखा तो गेट का ताला टूटा हुआ था और एक अंदर से गेट खुला हुआ था। फिर मैंने हमारे पास में मामा जी रहते हैं हमारे, उनको हमने कॉल किया कि आप चाबी लेके आओ और घर पे देखो कि क्या हो रखा है। उन्होंने घर पे आए, फिर उन्होंने घर का गेट खोला, मेन गेट का ताला लगा हुआ था, अंदर के गेट के ताले टूटे हुए थे। फिर अंदर आके देखे तो उन्होंने सारी अलमारियाँ, सारे बक्से, पूरे सामान बिखरा हुआ था, सारे जो जेवरात थे हमारे, करीबन हमारे 2 जोड़ी सोने की जो झुमकियाँ हैं वो थी, 2 सोने के लॉकेट थे जो मंगलसूत्र होते हैं वो थे, और बच्चों के और लेडीज़ों के चांदी के पायजेब, कुछ चांदी की चीज़ें थी, लगभग 900-800 ग्राम की चांदी थी वो थे, और 50 या 60 हज़ार के बीच में हमारा कुछ केस रखा हुआ था तीनों भाइयों के वो था। करीबन 4 बजे में इतला हुई थी 15 तारीख को 4 बजे, लगभग 2.5-3 लाख रुपए का हमारा माल था। और मतलब चोर आने के बाद हमने पुलिस आदर्श नगर थाने में हमने फोन किया कंट्रोल रूम से, फिर थाने वाले आए, उन्होंने हमारी रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद थोड़े बाद था हमने फिंगरप्रिंट्स के लिए मांग की थी, फिर उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए, मगर फिंगरप्रिंट्स वालों ने कहा है कि आपके जो चोरी वारदात हुई है वो ग्लव्स के द्वारा हुई है, उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स दर्शा नहीं रहे हैं। उन्होंने सारी वो हमने संतुष्ट करके गए हैं कि मतलब उस पर नहीं आ रहे हैं, और वो कल कार्रवाई के लिए आएंगे। और हमारे सामने डॉक्टर साहब का एक मकान है, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कैमरे से हम कुछ फुटेज लेंगे तो कुछ पता करेंगे ये। और हमारे बाहर भी क्या है कि असामाजिक तत्व तो बैठे रहते हैं हमारे यहाँ पर, गेट पे खाली है, उधर रोड पे यहाँ पे क्या है कि कोई बैठे रहते हैं, तो मुकदमा दर्ज करा दिया। हमें संदेह है कि कुछ करें, मतलब हाँ शर्म करने की कृपा करें। कौन से हमने आदर्श नगर पुलिस थाना है हमारा, वो लगता है वहाँ हमने इन्फॉर्म करके वो आए थे, वहाँ दर्ज कराए मुकदमा। नाम मेरा नाम है परमेश्वर प्रसाद माली, अशोक नगर गली नंबर 1, सुभाष नगर, अजमेर।